Welcome to my channel. I am Shahabuddin Ahmed. In this video, we talk about anatomy of ulna. Anatomy of ulna पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप bone के types पढ़ना चाहते हैं, कितने types के bone हमारे body में होते हैं, जैसे long bone, short bone, इनके common features क्या होते हैं, तो comment कीजिए, next video में उस पर बना दूँगा. तो चलिए पढ़ते हैं anatomy of ulna. Ulna first, it is a long bone. It is a long bone. Long bone of forearm. Ulna हमारे forearm, ये मेरा forearm है. Ulna medial side, ये medial side है, ये lateral side है. तो ulna यहाँ पे होगा ulna, और ये radius है. तो अल्ना हमारे फोर आर्म के मीडियल साइड में होता है और रेडियस हमारे फोर आर्म के लेटरल साइड होता है. अल्ना होता है होमोलोगस टू फिबुला ऑफ लोअर लिम्स. होमोलोगस टू फिबुला, ये फिबुला के होमोलोगस होता है. फिबुला लोअर लिम्स का बोन है. तो हम अल्ना का डिवीज़न देख लेते हैं. ये लॉन्ग बोन है तो इसमें तीन पार्ट होंगे, अपर एंड, इन द मिडिल शाफ्ट, एट द बॉटम लोअर एंड. तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन, अपर एंड को, फिर शाफ्ट देखेंगे, फिर लोअर एंड को देखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे अपर एंड. अपर एंड हैव टू प्रोसेस एंड टू नॉच. अपर एंड के पास दो प्रोसेस होते हैं और दो नॉच होते हैं. प्रोसेस में होता है अलेक्रेनॉन प्रोसेस और उसके बाद होता है क्रोनोइड प्रोसेस और नॉच में होते हैं दो नॉच, ट्रोक्लियर नॉच और रेडियल नॉच. अलेक्रेनॉन प्रोसेस जो होता है, अलेक्रेनॉन प्रोसेस, इट हैव फाइव सरफेस. सरफेस फर्स्ट एंटीरियर सरफेस फॉर्म अपर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच. अलेक्रेनॉन प्रोसेस का एंटीरियर सरफेस ट्रोक्लियर नॉच का अपर पार्ट फॉर्म करता है. सेकेंड सरफेस पोस्टेरियर. थर्ड मीडियल सरफेस, देन लेटरल सरफेस एंड फिफ्थ सुपीरियर सरफेस. अब देखते हैं क्रोनोइड प्रोसेस. क्रोनोइड प्रोसेस हैव फोर सरफेस. क्रोनोइड प्रोसेस हैव फोर सरफेस. फर्स्ट सुपीरियर. सुपीरियर सरफेस ऑफ क्रोनोइड प्रोसेस फॉर्म लोअर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच. क्रोनोइड प्रोसेस का सुपीरियर सरफेस लोअर पार्ट फॉर्म करता है ट्रोक्लियर नॉच का. सेकेंड एंटीरियर सरफेस. थर्ड मीडियल सरफेस. फोर्थ लेटरल सरफेस.
Trochlear notch form a surface for articulation of trochlea. Trochlea of humerus. To form elbow joint. Trochlear notch space provide करता है articulation of trochlea के लिए, जो trochlea यहाँ पे आके articulate होता है और elbow joint form करता है. अब देखेंगे radial notch. Radial notch articulates with the head of radius. रेडियल नॉच आर्टिकुलेट होता है रेडियस के हेड से और फॉर्म करता है फॉर्म सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. फॉर्म सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट शाफ्ट ऑफ अल्ना. अल्ना शाफ्ट हैव थ्री बॉर्डर्स थ्री सरफेस. दिस इज द लेटरल वन. Lateral border is the sharpest. ये सबसे sharp होता है border में. Lateral border सबसे ज़्यादा sharp border होता है. जैसे देख लो, ये मेरा ulna bone है, medial side of forearm. तो इसका lateral side होगा ulna का, ये होगा जो radius से attach होगा, और ये वाला medial portion होगा. तो lateral border of ulna is the sharpest border. आप इस साइड डिटर्मिनेशन भी कर सकते हो कि अल्ना किस हैंड का है, राइट या लेफ्ट का. जैसे आप लेटरल जो शार्पेस्ट बॉर्डर है उसको लिटरली पुट करो तो अल्ना आसानी से आप पहचान पाओगे कि अल्ना किस साइड का है. दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर. एंड दिस वन इज पोस्टेरियर बॉर्डर. ये तीन बॉर्डर थे शाफ्ट ऑफ अल्ना का. अब इनके तीन सरफेस, 1, 2, 3, तो देख लेते कौन कौन से सरफेस है. एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस प्रेजेंट बिटवीन लेटरल बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर. एंड इट हैव न्यूट्रिएंट फोरामेन. और ये मीडियल सरफेस है. मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट. मीडियल सरफेस एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टेरियर बॉर्डर के बीच में होता है, और लेटरल बॉर्डर और पोस्टेरियर बॉर्डर के बीच में होता है पोस्टेरियर सरफेस. पोस्टेरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री एरियाज बाय टू लाइन्स. सपोज करो ये पोस्टेरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट है, तो दो लाइन के थ्रू ये तीन हिस्सों में डिवाइड होता है. पहला लाइन होता है ऑब्लिक, ये ऑब्लिक लाइन है जो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है पोस्टेरियर सरफेस को. और एक और लाइन होता है वर्टिकल यहाँ पे लोअर पार्ट में, जो फिर से डिवाइड करता है लोअर पार्ट को लेटरल और मीडियल पार्ट में. तो इस तरह ये पोस्टेरियर सरफेस तीन हिस्सों में डिवाइड होता है. तो ये था शाफ्ट. अब
हम पढ़ेंगे लोअर एंड, लोअर एंड ऑफ अल्लाह। इन द लोअर एंड ऑफ अल्लाह वी टॉक अबाउट फर्स्ट हेड, हेड ऑफ अल्लाह आर्टिकुलेट विथ आर्टिकुलेट्स विथ द अल्नर नॉच ऑफ रेडियस। जो अल्ना का हेड होता है लोअर एंड में, वो आर्टिकुलेट होता है अल्ना नॉच ऑफ रेडियस और फॉर्म करता है, फॉर्म द इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, रेडियो अल्नर ज्वाइंट। लोअर एंड में हेड होता है अल्ना का, जो फॉर्म करता है इन्फेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, और अपर एंड में देखे थे हम लोग जो रेडियल नॉच होता है वो फॉर्म करता है सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। हेड के अलावा हम लोअर एंड में एक देखेंगे स्टिलवार्ड प्रोसेस, स्टिलवार्ड प्रोसेस। स्टिलवॉइड प्रोसेस प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम पोस्टेरोमीडियल साइड ऑफ लोअर अल्ना। तो इससे भी आप साइड डिटरमाइन कर पाओगे अल्ना का, क्योंकि स्टिलवॉइड प्रोसेस होता है वो मीडियल साइड में होता है और लेटरल साइड साफेस्ट होता है साफ्ट का, मैंने बताया था, और इन बिटवीन हेड एंड स्टिलवॉइड प्रोसेस अ ग्रूव इज प्रेजेंट हेड और स्टिलवॉइड प्रोसेस के बीच में एक ग्रूव होता है, पोस्टीरियरली ग्रूव होता है, जहाँ पे एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस मसल का टेंडन अटैच होता है इन बिटवीन हेड एंड स्टिलवॉइड प्रोसेस पोस्टेरियरली। तो चलिए हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं अल्ना का। तो ये है अल्ना का डायग्राम, ये एंटेरियर सरफेस और ये पोस्टेरियर सरफेस, ट्रॉक्लियर नॉच, क्रोनोइड प्रोसेस, अल्नर ट्यूबरोसिटी, न्यूट्रिएंट फोरामेन, लेटरल बॉर्डर, हेड ऑफ अल्ना, अलिक्रनॉन प्रोसेस, रेडियल नॉच, मीडियल सरफेस, पोस्टेरियर बॉर्डर एंड देन स्टिलवॉइड प्रोसेस। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आज के टॉपिक का, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को इनवाइट करें इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।